सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें अब हमारा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा और ये काफी बड़ा भी हो सकता है दो वीडियो में कंप्लीट हो, बट आई ट्राई टू कम्प्लीट इट विद इन वन वीडियो। तो अभी तक हमने देखा था साइमन कमीशन का और उसके बाद फिर हमने देखा था पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड का। तो बेसिकली जो हम अप्रोच देख रहे थे जो ब्रिटिशर्स का अप्रोच था उनका अप्रोच था कि डिवाइड करो सोसाइटी को और उसके बाद उसके ऊपर रूल करो, ठीक है। इसी के तहत वो अलग अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे थे। तो उनका जो मेन पर्पज था डिवाइड एंड रूल का वो तभी सक्सेसफुल हो पा रहा था जब वो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे छोटे छोटे कम्युनिटी के पार्ट में। तो इसी के चलते हुए उन्होंने सोचा कि हम फर्दर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और इन्होंने क्या करा, अभी तक तो डिफरेंट कम्युनिटी को दे रहे थे और रिजर्वेशन दिया था उन्होंने 1932 पूना पैक्ट में उन्होंने रिजर्वेशन दिया था जो डिप्रेस क्लास थे। इसमें उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उन्होंने एससी को, वुमेन को, इनको भी रिप्रेजेंटेशन देना शुरू करा। मतलब कम्युनिटी के हिसाब से वो डिवाइड करने लगे वुमेन को, इवन उन्होंने वर्कर्स जो थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया, ठीक है। इनके लिए भी इलेक्टोरेट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो उनका जो पर्पस था सोसाइटी को डिवाइड करने का वो बढ़ता जा रहा था। तो एक जो मेन फीचर था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का वो ये था, ठीक है। दूसरा फीचर उन्होंने और क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उन्होंने इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाने की सोचा कि इंडिया को हम बनाते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन में क्या होता, ये पूरा हमारा इंडिया हो गया, इसमें जो कुछ प्रोविंसेस थी वो इंडिविजुअल प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थी कुछ, ये मान लेते हैं ग्रीन वाली जो है वो हमारे ब्रिटिशर्स, ये वाली प्रोविंस, ये प्रोविंस, ये प्रोविंस, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये किसकी थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, ठीक है। और पूरा हमारा ये इंडिया है और ये ब्रिटिशर्स के अंडर में ये थी, और जो बाकी की प्रिंसली स्टेट थी रेड वाली जो है ये प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि इंडिविजुअल थी, इनके सेपरेट या किंग थे अपना रूल करते थे, पर ये ऑटोनॉमी इनकी अपने पास थी, बट ये एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिशर्स को अपना लॉर्ड पैरामाउंट सीट के तहत। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो इनके हेड थे इनके सुपीरियर थे वो एक तरीके से वो एक्सेप्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, और बाकी की जो स्टेट्स जो थी ब्रिटिशर्स की वो अपनी थी। तो इन्होंने फेडरेशन का कंसेप्ट निकाला कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स जो है ना, जैसे अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेवेंथ शेड्यूल में सब्जेक्ट्स आते हैं, यूनियन लिस्ट होती है, उसके बाद मतलब यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं उसको, यानी कि जिन सब्जेक्ट पे सेंट्रल जो है वो लॉ बना सकता है, फिर स्टेट लिस्ट होती है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है उन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट होती है जो कि मतलब जो स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकता है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट में एक चीज ये होती है कि अगर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बनाएंगे अगर उस सब्जेक्ट पे, तो जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट कंसेप्ट ये दिया कि हम सब्जेक्ट आपको अलग अलग दे देंगे, हर प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स प्लस प्रोविंस के लिए अलग सब्जेक्ट होगा और एक सेंटर के लिए एक अलग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इंडिया जो होगा वो होगा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हर स्टेट्स आपस में मिलकर आ रही हैं और जुड़ रही हैं, और जुड़ने के बाद वो एक पूरा ग्रुप बना रही हैं, उस पूरे ग्रुप को, उस पूरे क्लब को हम बोल रहे हैं इंडिया, ठीक है। परंतु ये वाला जो कंसेप्ट था ये कंसेप्ट फेल हो गया, ठीक। फेल क्या हो गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो रेड में आपको दिख रही हैं, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा ये जो प्रपोजल था उनका 1935 के जो एक्ट के तहत, और उसकी वजह से ये कंसेप्ट हमारा था फेडरेशन सब्जेक्ट को डिवाइड करना यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का, वो यहाँ पे डिलीट हो गया, यहाँ खत्म हो गया। तो एक दूसरा फीचर जो था हमारा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का ये था। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर यहां से अभी हम देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां कहां से क्या क्या चीज ली गई है, कहां कहां से फीचर्स आए हैं, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडियन गवर्नमेंट में फॉलो होता है वो यहीं से लिया गया था, ठीक है। तीसरा, फेडरल जस्टिस फेडरल कोर्ट्स का भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये फेडरल कोर्ट्स जो थी 1937 में एस्टेब्लिश हुई, बट प्रपोज कहां से हुआ, वो रिजोल्यूशन, वो प्लान कहां से आया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया, ठीक है। तो ये कुछ तीन हमने अभी फीचर्स देखे। पहला वाला देखा कि डिवाइड उन्होंने किया डिवाइड एंड रूल के तहत, एससीज वुमेन वर्कर्स इनको भी इलेक्टोरेट में शामिल किया, इनको भी रिजर्वेशन दिया। उसके बाद फेडरेशन का उन्होंने कंसेप्ट दिया, प्रपोज किया, बट बाकी की जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये फेल हो गया, ये खत्म हो गया। तीसरा हमने देखा कि जो उन्होंने फेडरल जस्टिस
फेडरल जुडिशरी बोल सकते हैं, फेडरल जुडिशरी जो थी उसका निर्माण हुआ, वो बनी, सेटअप हुई 1937 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और एक चीज और वो ये कि जो इलेक्टोरेट था जो एससीज वोमेन वर्कर्स था, इसके अलावा जो उन्होंने फेडरल ये फेडरेशन बनाया था उसके अंदर उन्होंने वोटिंग सिस्टम भी स्टार्ट करा जहां पर इंडियंस को वोट देने का अधिकार था। हमने पहले भी देखा था मॉन्टेगो कैलम्स फॉर्म रिफॉर्म में कि जहां पर इंडियंस वोट दे सकते थे पर जहां टैक्स के हिसाब से लोग चुन रहे थे वोट देने वाले लोगों को, अब उन्होंने थोड़ा और उसको जो दायरा था उसे बढ़ाया। और इसके तहत क्या हुआ कि लगभग 10% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया की थी उसको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था वो अभी भी नहीं था, अभी भी लगभग सिर्फ 10% लोग थे जो कि गवर्नमेंट चुनने वाले थे, जो कि चुनाव होने वाले थे उन सब में, ठीक है। बाकी के इसके फीचर्स और भी थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।